हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को लेके चर्चा कर रहे हैं, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर बात करें तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ये एक दो नंबर के क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आज के कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप इन जैसे क्वेश्चन को छोड़ के अपना ही भला नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आप स्किप ना कर दीजिएगा बीच में। और एक और बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में सबसे पुराना लौह जो युग जुड़ा हुआ है चित्रित धूसर मद बांडों के साथ। मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिम्बिसर। अवध के स्वराज राज्य का संस्थापक कौन था? सादत खान। ठीक है। पेशवाओं का संस्थापक कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष में शुरू किया गया था? 319 ईस्वी में। एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजा ने कराया था? कृष्ण कृष्ण प्रथम राज राष्ट्र राष्ट्रकूट ने। ठीक है। दिल्ली का प्रथम संप्रभुता संपन्न सुल्तान कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कृष्णदेव राव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अमुक्त मालदाय। होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। ठीक। भारत में पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा प्रारंभ की गई थी? बुंबई। समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्थान के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? श्रमिक संगठनों के। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? सारनाथ में। ठीक है। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहते थे? बलि। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? सोने के। इंडिया नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? बम्बई में। अधिकांश चोलकालीन मंदिर किस देवी देवता को समर्पित हैं? शिव जी को। ठीक है। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किस वर्ष की थी? 1916 ईस्वी में। गांधी जी विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य क्या था? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। इंडियन बीन्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन है? मोहनदास करमचंद गांधी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। चरक किस राजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? कनिष्क के। सांची का महान स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कलनौर में राज्याभिषेक के समय अकबर की आयु कितनी थी? 13 वर्ष। पांडव मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में। किसने कहा था देश की पूजा ही राम की पूजा है? मदन लाल ढीगरा। चोरी चोरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को स्थायी कर दिया था? असहयोग आंदोलन को। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। दीन इलाही कौन बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? विश्व बंधुत्व। डैन का सिद्धांत किस पे आधारित था? दादा भाई नौरोजी ने। बाल पाल लाल किसके प्रमुख नेता था? कांग्रेस पार्टी के। कौन सा स्थान भारत के पुर्तगालियों का मुख्यालय था? गोवा। अपनी प्रसार की नीतियों के कारण भारत में नेपोलियन कहलाने वाला राजा कौन था? समुद्रगुप्त। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमर्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल का महाभियोग चलाया गया? वर्निंग हास्टिंग द्वारा। राजनीति और धर्म को साथ साथ चलाना चाहिए, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है? फोर्ट विलियम। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? विष्णु और शिव की। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? असहयोग आंदोलन के बाद। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? राजेंद्र चोल।
चंद्रगुप्त द्वितीय किस नाम से जाना जाता था? विक्रमादित्य। लाला लाजपत राय द्वारा किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वो पुलिस की नरसंहार का विरोध किया था? साइमन कमीशन का। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने कराया था? चंदेल राजाओं ने। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में। गीता गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया था? तराइन की दूसरी लड़ाई ने। चोल राजाओं का शासन था तमिलनाडु पर। नवजीवन समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? महात्मा गांधी ने। सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटेन में व अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कब की थी? 23 अक्टूबर 1943 को। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजकूट शासक ने कराया था? कृष्णदेव एक ने। चलिए, एक महत्वपूर्ण बात आपके लिए, ये नोट्स मैं लेके आऊँ, आप इसे देख पढ़िए, थोड़ा काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है आजकल के लोगों के लिए। मैं आपके पढ़े दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। वनडे की रिक्तियों के ध्यान में रखते हुए आज कई संस्थान खुल गए हैं जहाँ अनुभवहीन शिक्षक छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। या ऐसे सिर्फ वनडे के रिक्तियों की घोषणा का इंतजार करते हैं। यहाँ ना कोई रिसर्च वर्क होता और ना ही मटेरियल डेवलपमेंट। ये सिर्फ गांव के भोले भाले छात्रों को बरगला कर कमाई कर रहे हैं। जागरूक बने एवं हमेशा अनुभवी प्रतिष्ठित संस्थान को चुने जहां गुणवत्ता, ईमानदारी और सफलता की पूजा की जाती हो और जहां ज्ञान नहीं सिलेक्शन दिया जाता हो। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये आपका आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको पता ही होगा हमारा मोटो क्या है, जहाँ सिलेक्शन एक जिद है। थैंक्स।